देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जेएनएल अस्पताल के नजदीक स्मारक पर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि व माल्यार्पण कर पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर शहर अध्यक्ष विजय जैन, पूर्व विधायक गोपाल बाहेती, पूर्व मेयर कमर बाकोलिया सहित कांग्रेस के अग्रिम संगठन व प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मौजूद रहे। अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रदेश को प्रगति देने के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी अहम भूमिका निभाई और उसी के परिणाम है कि आज देश शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आता है। उनके बताए मार्ग पर सभी लोग चले और देश के साथ ही कांग्रेस को मजबूती मिले, इसी संकल्प के साथ आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। भारत रत्न से सम्मानित हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 55वीं पुण्यतिथि पर हमें शत-शत नमन, शत-शत वंदन करते हैं। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज उनको यहाँ पुष्पांजलि कार्यक्रम अर्पित किया है और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नेहरू जी को स्मरण किया है कि नेहरू जी ने जिस तरह हमारे देश के लिए त्याग और बलिदान दिया, जिस तरह उन्होंने आज़ादी के पहले ही जो उनकी भूमिका रही कि आज़ाद कराने के लिए वो कई बार जेल गए, बहुत आंदोलनों में उन्होंने अपनी शिरकत निभाई और देश को आज़ादी दिलाई, उसके बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। उसके बाद नेहरू जी ने जिस तरह देश के अंदर चाहे पंचायती राज हो, चाहे हमारे देश के विकास की बात हो, चाहे हमारे देश के अंदर औद्योगिक क्रांति की बात हो, चाहे हरित क्रांति की बात हो, सब में पहल करते हुए देश को आज आधुनिक युग में पहुंचाने में अगर कोई श्रेय है तो वो हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। उनकी सोच, उनकी विचारधारा और सबको साथ लेके चलने की उनकी नीति को कांग्रेस हमेशा उनको स्मरण करती रहेगी। देश का हर और बच्चा जो उनको चाचा नेहरू के नाम से जानता है, उन्हें एक बार फिर उन्हें शत-शत वंदन, शत-शत नमन।